हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक स्ट्रीम। यहाँ पर लीगा ईए स्पोर्ट्स लीग का मैच हो रहा है गिरोना वर्सेस रियल मैड्रिड के बीच। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो गिरोना एंड रियल मैड्रिड दोनों टीम्स के बीच अप्रैल में एक मैच हुआ था जिसमें रियल मैड्रिड हार गई थी, वो भी 4-2 के स्कोर से, और वो मेरे लिए सबसे अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि जीआईआर फिर पूरी फॉर्म में है। लीगा लीग के अंदर जीआईआर की इतनी अच्छी मैंने प्रोग्रेस देखी है, इतनी अच्छी प्रोग्रेस मैंने किसी और टीम की नहीं देखी। एक बार जो टीम आपको बता दूं, स्पेनिश लीग में भी बहुत तरह की लीग्स हैं, मतलब स्पेन के अंदर ये मेन लीग है ना, तो इसके निचले भी एक होती है, जैसे डिवीज़न 1 डिवीज़न 2 होता है ना। हो सकता है मतलब गिरोना टीम डिसक्वालीफाई हो जाती, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे मैचेस खेले पिछले साल भी और इस साल भी, तो मुझे लगता है नहीं कि जीआईआर अब लीगा टीम लीगा मेन लीग को छोड़ भी पाएगी, क्योंकि इतनी अच्छी लीग है, इसको निकाल ही नहीं सकते इस मेन लीग से। तो मेरा ऐसा है कि मैं सबसे पहला जो खिलाड़ी लूँगा वो है स्मोरेरा। पहले जो इनको 4 गोल करके गया था उसका नाम था कैस्टलेंसन, वो अब टीम को छोड़ चुका है, उसकी जगह उसका भी बाप ऐड हुआ है भाई साहब एस मोरेरा, उसका उससे भी खतरनाक लगता है मेरे को। सो मैं इसको लूँगा। और डॉबिक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है, ये मेरा छूट जाएगा, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। डॉबिक को लेने बैठा तो मेरे ऐसा हो जाएगा फिर रियल मैड्रिड फेवर नहीं रहेगी टीम, जबकि रियल मैड्रिड सबसे अच्छी टीम है। विनिगस जूनियर की इंजरी भी ठीक हुई है, एज अ सब्स्टिट्यूशन लाया गया था, आज प्लेइंग 11 में उतारेंगे। और इसके साथ ही साथ आर गोस को उतारे या ना उतारे, मैं चाहता हूँ जोशेलू को जरूर उतारे, ठीक है। और डॉबिक अगर छूटता है तो कोई बात नहीं, किसी कोई भी नहीं ले पाएगा, चार स्ट्राइकर कैसे ले लोगे मुझे बताओ, इन तीनों की जगह कैसे लूँ मैं अगला खिलाड़ी, ले ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर डॉबिक 1-2 गोल कर भी जाता है ना, तो आपको स्मॉल लीग में तो मैं कहता हूँ घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, एक पैसे का भी, ठीक है। और आप आगे बात करें यहाँ पर मिडफील्डिंग की, देन यहाँ पर है जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम ऐसा है कि जूड बेलिंगम पिछला मैच तो खेला नहीं था, वेलवर्ड को खिलाया था इन्होंने, ऐसा है कि वेलवर्ड को तो मैं इसलिए ले रहा हूँ गाइस क्योंकि पिछले मैच में भी रेगुलर अच्छा खेल रहा है, लास्ट मैच में भी मैंने कप्तान रखा था, मानता हूँ गोल नहीं किया तब भी हम जीत गए थे। वो इसलिए जीते थे, टी क्रूज पिछले मैच में था नहीं, टी क्रूज की जगह ना इन्होंने खिला दिया एक नए खिलाड़ी को, जो कि पहले खेला करता था किसी और लीग में, जो सीरी ए लीग का एक खिलाड़ी है, तो इब्राहिम दियास को यहाँ पर ऐड किया गया, और उसने पहले मैच में ही, पहले प्लेइंग 11 मैच में लास पैलमस को गोल लगा दिया और पूरी टीम में अपनी जगह बना ली। तो मैं बी दियास को पिछले मैच में भी लिया था, आज भी लूँगा। जूड बेलिंगम खेलेगा तो भी लूँगा, मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ। ये 5 खिलाड़ी जो आप देख रहे हो ना, ये 5 खिलाड़ी रियल मैड्रिड की आन बान शान है, इन 5 में से एक को भी कुछ होगा ना तो टीम दिक्कत में आएगी। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि इन 5ों में से कोई 4 ही खेलने वाले हैं, 5 खेलेंगे मैं 5ों लूँगा, सुन लो। अब मेरा तो ऐसा है कि रियल मैड्रिड के साथ मैं ऐसे नहीं करता, रियल मैड्रिड के एक भी प्लेयर पर रिस्क लेना सबसे बड़ा रिस्क हो जाएगा पूरी गेम का, ठीक है। अभी बेलिंगम को मैं नहीं ले रहा क्योंकि अभी उसका पता नहीं है, अभी आप अभी छोड़ दो, लास्ट में कप्तान भी रखना होगा रख देंगे। आगे से ऑपोजिशन टीम की बात करें, तो ऑपोजिशन का पहला जो आपने मेन प्लेयर लेना है वो है विक्टर। विक्टर छोड़ा तो गेम गई, ये अनपढ़ लोगों ने लिया है नहीं, 0% सिलेक्शन है, क्योंकि इनको पता नहीं कि विक्टर में कितना दम है। ऐसा है, अगर आपको मेरी बात पर मजाक या विश्वास नहीं हो रहा तो जाओ पिछले मैच में, जाओ पिछले रिकॉर्ड जाकर जाओ, देखो कि कौन है ये। और आगे से एक गर्शिया को लूँगा, क्योंकि गर्शिया इनका काफ़ी पुराना प्लेयर है, लेकिन गर्शिया चले ना चले हमें उससे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं वाई हरेरा तो लेने से रहा, वाई हरेरा लेके हार थोड़ा ना जाना है, वे एक मैच में गोल करता है पूरे सीज़न में, पिछले मैच में गोल कर गया, बस हो गया इसका इस सीज़न का कोटा पूरा। एंड आगे से अगर बात करें डिफेंडिंग की, डी अलावा नहीं खेल रहा, इंजर्ड है, और एक और प्लेयर इंजर्ड था इनकी टीम का, एडर मिलिटाओ भी नहीं खेल रहा, ये दोनों नहीं खेलेंगे। डी अलावा को मसल इंजरी है, सो इसलिए मैं कारवेजल भी नहीं खेल रहा यार, हाँ नहीं यार, 2 डिफेंडर इंजर्ड थे, इसका नाम तो नहीं था, हो सकता है आज सब्स्टिट्यूशन पे भेजें, बट अभी तक मेरे को नहीं पता, अभी तक कारवेजल का क्या है कि शॉर्ट ही नहीं है, ना इसका इंजरी में नाम है ना इसका स्क्वाड में ढंग से नाम आ रहा है। तो मेरे को भी ऐसा है कि अभी आप मतिलो और मैंडी की बात करो तो मैंडी को आप लो, क्योंकि मैंडी को डी अलावा की जगह ला सकते हैं। जे नैचो फर्नांडिस को लो, और नैचो फर्नांडिस के पास ना रूडीगर लेना है तो ले लो, बट रूडीगर का गेम प्ले मुझे इतना खास लगा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि मैं अब गर्शिया के साथ जाऊँ, क्योंकि गर्शिया इनके लिए भी नया है और मेरे लिए भी। एंड आगे से अगर बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर है गाजानिका के साथ जाऊँगा। गाजानिका के बाद जो अगला प्लेयर है, तो मेरा जो कप्तान है वो होगा विनिगस जूनियर। वाइस कप्तान ऐसा है कि मैं जोशेलू को रख रहा हूँ, बट हो सकता है मैं जूड बेलिंगम को लेकर उसको रखूँ, बट अभी का आप इसको मान के चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।